हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल माय चैनल। आज मैं आपके लेकर आई हूँ पार्ट वन ब्लाउज का वीडियो। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने कमेंट्स जरूर भेजिए। चलिए फ्रेंड्स, इन्हें स्टार्ट कीजिए। आज मैं बनाने जा रही हूँ ये वाला ब्लाउज। ये देखिए, इसमें मैंने ये यहाँ से बॉर्डर से स्टार्ट किया है। इसमें मैंने 70 फंदे डाले हैं और जो मैं बना रही हूँ वो मैं 55 फंदे का बनाऊँगी। ये मीडियम साइज़ है, ये थोड़ा बड़ा साइज़ है, आप अपने अकॉर्डिंग फंदे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और आप इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम इसको देखिए, ये देखिए मैंने इसमें 55 फंदे डाल लिए हैं। और देखिए, एक फंदा सीधा एक उल्टा बुनते हुए इसका बॉर्डर बनाएंगे। देखिए, एक सीधा बनाया, धागा इधर किया, एक उल्टा, एक सीधा, बॉर्डर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, मैंने एक रो निकाल के कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, इधर से भी जो एक सीधा, जो सीधा है उसको सीधा बनेंगे, उल्टा है उसको उल्टा बनेंगे। ये देखिए, इसी तरह से मैं इतना, ये बॉर्डर देखिए, आप इससे उंगलियों से नापें तो 3 उंगली के बराबर है, और इंच से नापें तो ये 2-2.5 इंच होगा। इतना बना के उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने इसमें बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से आप नाप लें या फिर इंच से नाप लें, ये 3 उंगली का है। और देखिए, इस रो में मैं इसमें 5 फंदे बढ़ाऊँगी। यहाँ से जो बनाएंगे उसके बाद 5 फंदे बढ़ा देंगे इसमें। और फंदे हम एक साथ नहीं बढ़ाएंगे, अलग अलग जगह बढ़ाएंगे। देखिए, यहाँ से एक फंदा बढ़ा लेंगे, एक रो में ही बढ़ाने हैं ये फंदे हमें। अब यहाँ से मैं सीधा बनाऊंगी इस तरह से। ये पूरी रो में मुझे सिर्फ 5 फंदे बढ़ाने हैं। आपको अगर ज़्यादा बढ़ाने हैं तो आप वो भी बढ़ा सकते हैं, थोड़े हेल्दी हैं तो और ज़्यादा बढ़ा लीजिए, और बॉर्डर में भी ज़्यादा डाल सकते हैं। देखिए, 2 बढ़ गए, एक ये बढ़ा लिया, 3। ये देखिए, इसी तरह से मैं इसमें 5 फंदे बढ़ा लूँ। ये देखिए, मैंने इस रो में फंदे बढ़ा लिए हैं। अब देखिए, इसे उल्टे साइड से मैं कलर चेंज कर लूँगी। यहाँ से इस पीले वाले धागे को यहीं छोड़ दूँगी, ग्रीन से बुनते हुए जाऊँगी। इसको मैं यहीं इस तरह से लपेट लूँगी। इसी तरह से कंप्लीट करें। अब देखिए, ये वाली डिज़ाइन डालेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक फंदा मैं उतारूँगी और ये इस तरह से मैं 2 फंदे ये सीधे बुन लूँगी, और एक फंदा देखिए बिना बुने उतार लूँगी। उसके बाद फिर 2 फंदे सीधे, एक फंदा बिना बुने, 2 फंदे सीधे, एक बिना बुने उतार लेंगे, 2 फंदे फिर सीधे, एक ऐसे उतारेंगे, स्लिप कर लेंगे। ये देखिए, एक स्लिप, एक स्लिप कर लेंगे इसी तरह से इस रो को। ये देखिए, लास्ट में 2 फंदे हमारे पास सीधे बचे हैं। और देखिए, उल्टे साइड जो फंदे हमने बुने हैं उनको हम बुन लेंगे उल्टा इस तरह से, और एक फंदा उतार लेंगे जो स्लिप किया है उसी को स्लिप करेंगे। इस तरह से, और ये वाला स्लिप कर लिया। इस रो को ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने उल्टी रो कंप्लीट कर ली है। और अब देखिए, मैं यहाँ पे ये एक फंदा उतार लूँगी और ये यहाँ पे एक फंदा ये उल्टा बुन लेंगे। ये 2 फंदे उल्टे हो जाएंगे। और देखिए, इधर धागा करेंगे और इस फंदे को, जो उतरा हुआ फंदा था दोनों रो में उतारा है मैंने, उसको मैं इस तरह से सीधा बुन लूँगी। ऐसे देखिए, वापस धागा इधर करेंगे, 2 फंदे उल्टे, आगे धागा पीछे करके ये फंदा सीधा, फिर इधर करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे, ये फंदा सीधा। देखिए,
ये देखिए इस तरह से डिजाइन पढ़ के आएगी। दो फंदे उल्टे बुन लेंगे, जोतरा वाला फंदा है उसको मैं सीधा बुनूंगी, वापस धागा इधर करेंगे, दो फंदे उल्टे, इस रो को इसी तरह कंप्लीट करेंगे। ये देखिए एक रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसको पलट लेंगे और देखिए इधर से मैं कलर चेंज कर लूँगी। एक डिजाइन बन के तैयार हो गई है। अब देखिए मैं ये पीला वाला कलर लगाऊंगी। ये देखिए चार चार रो की डिजाइन है, एक डिजाइन पड़ गई है। इसको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ये देखिए अभी मैंने ये दो फंदे यहाँ पे बुने थे सीधे, उसके बाद डाली थी। अब मैं इस फंदे का ये जो डिजाइन डली है इसको इसके पास वाला फंदा उतारूंगी। ये देखिए अब मैं एक फंदा ये उतार लूँगी, साइड से उतार रही हूँ और ये भी उतार लूँगी, इस पर डिजाइन डाल रही हूँ और ये दो फंदे यहाँ पे सीधे बुन लूँगी। ये देखिए ये वाली डिजाइन पड़ी है, इसके पास वाला फंदा हम उतार लेंगे और दो फंदे सीधे। फिर देखिए ये वाला, ये देखिए इसमें और चेंजिंग नहीं करनी है, इसी तरह से ये बनाएंगे डिजाइन और जिस तरह से मैंने ये पिछले में बताया है। और देखिए ये मैं इस तरह से ये तीन रो पूरी कर लूँगी इस तरह से, उसके बाद मैं दिखाऊँगी एक दो तीन इस तरह से, मतलब तब दिखाऊँगी इसकी तीन हो जाएंगी। देखिए तीन पड़ी हैं और दो इसकी, पांच रो हो जाएंगी पूरी, उसके बाद दिखाऊँ। ये देखिए मैंने इसमें ये तीन रो डाल ली हैं, तीसरी रो ये हमारी पड़ रही है। अब देखिए मैं दोनों साइड से एक एक फंदा घटाऊँगी, जिस तरह से देखिए इसमें ये यहाँ से डिजाइन पड़ी हुई है, इस तरह डिजाइन डालते हुए मैं एक एक दो का एक करते हुए यहाँ से घटाऊंगी इस तरह से, बाकी डिजाइन वही रहेगी सेम है डिजाइन। दोनों साइड से एक एक फंदा घटाएंगे। ये देखिए मैं अब डिजाइन डाल के इसको कंप्लीट करूंगी आगे। ये देखिए यहाँ से एक जीव डाल लिया मैंने, उसके बाद देखिए इधर भी दो का एक कर लेंगे। ये देखिए दोनों साइड से एक एक फंदा घटाते हुए लास्ट देखिए मैं यहाँ तक जब बना लूँगी उसके बाद दिखाऊंगी। बस इसमें ये डिजाइन सेम पड़ेगी और यहाँ तक गले मुझे कितने फंदे रखने हैं वो मैं कंप्लीट करके जब बताऊँगी, और इसी तरह से मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। जितनी भी रो पड़ेंगी अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हैं नाप के, जितना लंबा आपको ब्लाउज चाहिए उसके हिसाब से। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर मैं ये दो रो निकाल दी है मैं उल्टा उल्टा बुनते हुए, और यहाँ पे अब मैं चार रो निकालूंगी, दो और निकालूंगी इस तरह से, उसके बाद मैं इसको उतार दूंगी। यहाँ मैं फंदा नहीं घटा रही हूँ, ये बॉर्डर टाइप का बना रही हूँ। देखिए इस तरह से ये बॉर्डर बन जाएगा गले के लिए। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको यहाँ पे बना लिया है। ये तीन रो हो गई हमारी गांठ स्टिच की। अब देखिए यहाँ से मैं उल्टे साइड से उतार दूंगी, दो का एक करते हुए उतार दूंगी इसको इस तरह से। ये देखिए इसी तरह से मैं एक पल्ला और बनाऊंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे क्या करना है। इसी सेम इसी तरीके से बना लूंगी और देखिए ये काफ़ी बढ़ जाता है इस तरह से, तो आप फंदे अपने अकॉर्डिंग ही डालें।